जिए, जो जीवन को महकाए, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए, जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, जो जीवन को महकाए, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए, जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए। हाथ खोल लो, ताली बजाने से बड़े फायदे होते हैं, हाथों का एक्यूप्रेशर हो जाता है, शरीर की सुस्ती दूर हो जाती है, हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं, माइंड हमारा पॉजिटिव बन जाता है। जीवन कितना सुंदर है, बोलो जीवन कितना, चलता फिरता मंदिर है ये, चलता फिरता इसमें बसा हुआ भगवान, इसमें बसा जीवन है प्रभु का वरदान, जीवन है प्रभु का वरदान, जीवन को हम धन्य करें, जीवन को हम आनंद उत्सव वरण करें, आनंद उत्सव जीवन को हम इंद्रधनुष सा, जीवन को हम सुंदर सरस बनाए, जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, जो जीवन को महकाए, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए, जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए। जीवन में हम जोश भरे, बोल जीवन में हम अपने सपने पूर्ण करें, हाँ अपने सपने, साथ मिले तो ले सबका, हाँ साथ मिले तो, और नहीं मिले तो गम किसका, और नहीं मिले तो अर्जुन में बेहद दम है, बोल अर्जुन में एकलव्य भी कहां कम है, पर एकलव्य भी हम भी दिल में लक्ष्य बसाकर, हम भी दिल में लक्ष्य बसाकर सोया भाग्य जगाए, जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए। संघर्षों से डरे नहीं, बोलो संघर्षों से, और बिना मौत के मरे नहीं, हम बिना मौत के खुद को बूढ़ा क्यों समझे, हाँ खुद को बूढ़ा, अरे खुद को अपाहिज क्यों समझे, खुद को अपाहिज। जिसने भी संघर्ष किया, जिसने भी, उसको अपना लक्ष्य मिला, उसको अपना चंद्र स्वयं पुरुषार्थ जगाकर, चंद्र स्वयं पुरुषार्थ जगाकर सोया भाग्य जगाए, जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, जो जीवन को महकाए, पंगु भी हाँ पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए, जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है,
यह मत समझिए कि आपकी उम्र क्या है। किसी भी उम्र में सपने देखे जा सकते हैं और किसी भी उम्र में सपने पूरे किए जा सकते हैं। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अरे जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन केवल, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन केवल, अभी तो सारा आसमां जीतना बाकी है, अभी तो सारा आसमां जीतना बाकी है। ये बात सच है कि भगवान ने अपन सभी लोगों को लगभग लगभग एक जैसा जीवन दिया है। सबके वही दो हाथ हैं, सबके वही दो पांव हैं, सबके वही दो आंखें हैं और सबके वही दो कान हैं। कहीं कोई फर्क है क्या? देख लो, भगवान ने अपन सब लोगों को लगभग लगभग एक जैसा जीवन दिया है। वही दो हाथ, दो पांव, दो आंखें, दो कान, एक जबान, सब कुछ वही कुछ दिया है। लेकिन फिर भी हर आदमी के बीच में थोड़ा थोड़ा फर्क है। कितना सा कम है? थोड़ा थोड़ा। अब थोड़े की लिमिटेशन आप लगा लीजिए, थोड़े को आप कितना लगाते होंगे। थोड़ा थोड़ा हर आदमी के बीच में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा फर्क ही बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। और ये थोड़ा थोड़ा फर्क अगर किसी चीज का फर्क है, दो अगल बगल में अगर आप लोग बैठे हैं, अगल बगल में बैठे हुए हर आदमी के वही दो हाथ पांव नाक कान जबान सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी हर आदमी के बीच में थोड़ा थोड़ा फर्क है। और वो थोड़ा थोड़ा फर्क है इंसान के नजरिए का फर्क, इंसान के विजन का फर्क, इंसान के एटीट्यूड का फर्क। और ये जो थोड़ा सा फर्क है ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। आज हम अपने जीवन के निर्माण के लिए एक बुनियादी बिंदु को छूते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, अपने दिल और दिमाग के साथ जोड़ते हैं और वो है सकारात्मक नजरिए की जादुई शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। हर आदमी, आमतौर पर हर आदमी अपने चित्र को सुंदर बनाता है, पर इंसान के लिए जितना चित्र सुंदर होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा इंसान का चरित्र सुंदर होना चाहिए। इंसान का जितना भवन सुंदर होता है, मैं कहूंगा भवन से ज्यादा इंसान को अपनी भावनाओं को सुंदर बनाना चाहिए। जितना हमारा चित्र सुंदर होता है उससे कहीं ज्यादा सुंदर हमारा चरित्र होना चाहिए। हमारा भवन जितना सुंदर हो उससे कहीं ज्यादा हमारी भावनाएं सुंदर होनी चाहिए। जितने हमारे साधन सुंदर होने चाहिए उससे कहीं ज्यादा हमारी साधना सुंदर होनी चाहिए। और जितनी ज्यादा नजर हमारी सुंदर होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा हमारा नजरिया सुंदर होना चाहिए। अगर इंसान का नजरिया ही सुंदर नहीं है, किसी भी इंसान के पास अगर उसका नजरिया नहीं है, एक विजन नहीं है, तो मैं कहूंगा फिर जीवन जीने का सार ही क्या है। अगर हमारे पास हमारा कोई अपना नजरिया, हमारा अपना कोई दृष्टिकोण नहीं है, तो ध्यान रखिएगा जिस आदमी के पास विजन नहीं होता वो आदमी मजदूर के रूप में पैदा होकर तो जी सकता है, वो आदमी मजदूर के रूप में पैदा होकर जी सकता है, पर अगर उसे आसमानी ऊंचाइयों को छूना है तो हर आदमी को अपने भीतर अपना एटीट्यूड, अपने भीतर अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा। हमारे देश के महान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने पूरे देश के युवाओं के पास जाकर, एक एक स्कूल, एक एक कॉलेज के पास जाकर के हर युवक को यह सिखाना चाहा कि तुम ऊंचे सपने देखो, अगर तुम ऊंचे सपने देखोगे तो आज नहीं तो कल हम में से हर कोई आदमी उन सपनों को पूरा भी करेगा। अगर हमें ऊंचे सपनों को पूरा करना है तो सबसे पहले जीवन के सामने अपना विजन, अपना एटीट्यूड हमें अपना क्लियर करना होगा। जोधपुर के संबोधि धाम में
मंदिर का निर्माण चल रहा था और अलग अलग किस्म के मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। मैं ऐसे ही उन मजदूरों को देखने के लिए और मंदिर निर्माण पर नजर डालने के लिए वहां पर पहुंचा तो मैंने एक एक मजदूर से मिलना चाहा कि आज देखता हूं कि हर मजदूर का विजन क्या है, जीवन के प्रति विजन क्या है, अपने कर्म और अपने कार्य के प्रति विजन क्या है, एटीट्यूड क्या है इन लोगों का। मानता हूं कि एक पढ़े लिखे इंसान का एटीट्यूड होता होगा। कोई आदमी अगर बिल गेट्स बन गया तो उसके पास विजन है, एटीट्यूड है। कोई आदमी अगर सचिन तेंदुलकर बन गया, उनके पास उनका कोई पॉजिटिव एटीट्यूड रहा होगा। कोई व्यक्ति महावीर और बुद्ध बन गया तो भी उनके पास महान दृष्टिकोण, उनके पास महान नजरिया होगा। पर सवाल ये उठता है, जो आदमी आम मजदूर की तरह जी रहा है, आम इंसान की तरह जो पैदा हुआ है, उन लोगों का विजन और एटीट्यूड क्या है। बढ़ा उनके पास, पहला मजदूर काम कर रहा था। समझिएगा, आज मैं आपको जीवन के निर्माण के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक एक पगथिया आप लोगों को आगे से आगे हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज पहले पगथिया को छू रहे हैं और वो है हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण। प्रभु महावीर को ये एटीट्यूड इतना महत्वपूर्ण लगा कि उन्होंने अपने धर्म की शुरुआत ही जिस सिद्धांत से की, उस सिद्धांत का नाम है सम्यक दर्शन। क्या नाम है बोलो सब? सम्यक दर्शन। पर शायद आपको यह नहीं पता, आज तक धरती पर किसी भी व्यक्ति ने महावीर के उस सम्यक दर्शन के सिद्धांत को सही ढंग से पेश नहीं किया। पर आज मैं आपके सामने उसी सिद्धांत को मानव जाति के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, देश और विश्व के कल्याण के लिए उसी सिद्धांत को अपनी भाषा में अपने तरीके से कहूंगा। सम्यक दर्शन का ही दूसरा नाम है पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक नजरिया। मैं मिला मजदूर से, मजदूर के पास गया, मैंने कहा और भैया क्या कर रहे हो? जैसे कि अपन लोग मस्ती में बात कर रहे हैं, मस्ती में बात करते हैं, मैं भी उससे मिला और मैंने पूछा और भाई क्या कर रहे हो? बोले बाप जी काई करूं, करण लो काई है, पत्थर फोड़ रहे हूं, और काई करूं, पत्थर तोड़ रहा हूं, और क्या करूं। एक विजन, एक एटीट्यूड। मजदूर जो काम कर रहा है उसका एटीट्यूड समझिए। और वो कहता है बाप जी क्या कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं सुबह से लेकर शाम तक, रोज सुबह आता हूं शाम तक यहीं पर काम करता हूं, दिन भर पत्थर तोड़ने का काम करता हूं। मुझे लगा ये आदमी अपनी जिंदगी को केवल छाती कूटा बनाकर जी रहा है, इसके अलावा इसके जीवन का कोई परिणाम नहीं है। मैं और चार कदम आगे बढ़ा, पहाड़ी पर मंदिर बन रहा था, चार कदम आगे बढ़ा, मैंने दूसरे मजदूर से पूछा और भैया क्या हालचाल है, क्या कर रहे हो? क्या करूं बाप जी, सुबह आता हूं शाम को जाता हूं, दिन भर यही सब पत्थर तोड़ना, दिन भर यही सब कढ़ाइयां उठाना, यही सब काम करता हूं। मैंने उसकी बात सुनी, मुझे उसकी बात में एक विवशता, एक मायूसी, एक निराशा नजर आई और मुझे लगा इस आदमी को भी अब मुझे एक क्लास लेनी पड़ेगी, मुझे इसकी भी क्लास लेनी पड़ेगी। और मुझे लगा कि कोई भी व्यक्ति स्कूल जाकर के केवल 1+1=2 करना तो सीख के आ सकता है, पर जीवन को अगर निर्माण करना है तो उसे हम में से किसी व्यक्ति के पास आना पड़ेगा ताकि आदमी का एटीट्यूड ठीक किया जा सके। मैंने इसीलिए तो कहा था कि हाथ पांव टांग सबकी वही है, लेकिन फिर भी हर आदमी के बीच में एक फर्क है। मुझ में, ललित प्रभु जी में कोई फर्क नहीं है, मुझ में शांति प्रिय जी में कोई फर्क नहीं है, मुझ में आप में कोई फर्क नहीं है, पर फिर भी एक बहुत बड़ा फर्क है। और सारा फर्क यहां है, मेरे एटीट्यूड में है कि मैं किस चीज को किस एंगल से देखता हूं, लेता हूं। मैं थोड़ा और चार कदम आगे बढ़ा, तीसरा मजदूर मिला, मैंने कहा और भैया क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो? वो आदमी राम 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 बोल रहा था।
राम का जाप करता जा रहा था और एक एक पत्थर तोड़ता जा रहा था। मैंने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा, बाप जी आनंद आ रहा है, वाकई आनंद आ रहा है। अरे जिंदगी में मजदूरी तो कई बार की रोज ही करता हूं और रोज 300 रुपया देनगी कमाता हूं, पर पहली बार ऐसा मौका मिला कि किसी मंदिर को बनाने के लिए मुझे पत्थरों को तराशने और तोड़ने का मुझे मौका मिला है। मुझे किसी मंदिर को बनाने के लिए अपना परिश्रम देने का मुझे मौका मिला है। मैंने उस आदमी की पीठ थपथपाई। मैंने तब अपने आप से भी कहा और उससे भी कहा, मैंने कहा, मेरे भाई सबके हाथ पांव टांगे वही होती है, लेकिन विजन में फर्क होता है, नजरिए में फर्क होता है, और यही फर्क है। एक आदमी के लिए जीवन को जीना छाती कूटा लगता है, सर फोड़ी लगती है। एक आदमी को जीवन को जीना विवशता और मजबूरी लगती है। एक आदमी को जीवन जीना इसलिए जीना पड़ रहा है क्योंकि मौत अभी तक उसके पास आई नहीं है। ऐसे आदमी जिंदगी में एक बार नहीं बल्कि 100-100 बार आत्महत्या करने की सोचते हैं, 100-100 बार तालाब में कूदकर मरने की सोचते हैं, फांसी का फंदा लटका करके मरने की सोचते हैं। अगर दुनिया को यह विजन मिल जाए कि एक मजदूर का विजन भी यह हो सकता है कि वो पत्थर के तोड़ने को पत्थर को तोड़ना नहीं करता बल्कि उसको भी वो मंदिर बनाने का भाव रखता है, जो आदमी ऐसा ऊंचा एटीट्यूड रखा करता है उस आदमी का जीवन जीवन नहीं रहता, उस आदमी का जीवन भी चलता फिरता मंदिर बन जाया करता है। सब कुछ निर्भर करता है हमारे इस एटीट्यूड में, नजरिया, सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि। आदमी का एटीट्यूड क्लियर होना चाहिए। किसी भी महिला से पूछो, भाई तू क्या करती है? भाई मैं तो होम वाइफ हूं, हाउस वाइफ हूं। भाई भगवान ने तुझे केवल 4 रोटी बेलने के लिए पैदा नहीं किया है। अगर तुम बीए पास करके भी वही अगर 4 रोटी बेलने का काम करते हो तब तो वो चौथी क्लास फेल महिला भी वही काम कर रही है, तब तो दोनों एक ही लेवल के हो गए। अगर तुम्हारा काम भी वही पापड़ बेलना और उसका काम भी वही रोटी बेलना है तो दोनों एक ही मायने के हो गए। मैं कहूंगा अपने एटीट्यूड को क्लियर करो, आगे बढ़ाओ, इसे पॉजिटिव, इसे क्रिएटिव बनाओ और अपने एटीट्यूड को क्लियर करो। आज अगर ये सामने बैठे हैं मेरे बगल में एक तबला बजाने वाले भाई साहब, अगर वो केवल ये सोचेंगे मेरा तो काम है केवल तबला बजाना है, जाना है और अपनी देनगी लेनी है और चले जाना है, वो आदमी मरेगा तब तक तबला बजाता रहेगा। एक आदमी अगर पिपाड़ी बजाता है और अगर सोचता रहेगा मेरा तो काम ही है पिपाड़ी बजाना, पिपाड़ी बजाऊंगा और 200 रुपया लेके आ जाऊंगा, भाई साहब अगर हम लोग केवल अपना सा इतना सा विजन रखते रहेंगे, तुम गरीब घर में पैदा हुए, गरीब हो और गरीब रहोगे, लेकिन जिस दिन हमने अपने एटीट्यूड को अगर ऊंचा उठा लिया तो पिपाड़ी बजाने वाला नहीं रहेगा बल्कि पिपाड़ी बजाने वाला ही भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां बन जाएगा। आदमी को अपने एटीट्यूड को ऊंचा करना पड़ेगा। मेरे भाई हम जब अभी यहां आते हैं तो मैंने देखा कि आयोजकों ने ऐसे ऐसे बॉडी बनाने वाले, ये ब्लैक कमांडो जैसे मैंने अभी तक देखे नहीं थे, पहली बार देखे हैं। मुंबई में आए हैं तो पहली बार ऐसे बॉडी बना बना करके और यहाँ लाके खड़े कर दिए गए हैं। अरे भाई साहब एटीट्यूड छोटा रखोगे तो सलमान खान के बगल में चलते रहोगे और एटीट्यूड को अगर ऊंचा कर लिया तो एक दिन तुम खुद सलमान खान बन जाओगे। जहां हो वहां के लिए संतोष मत करो। जीवन हमें आगे बढ़ने के लिए भगवान ने दिया है, भगवान ने हमारा जीवन रोका नहीं है, भगवान हमें रोज आगे बढ़ने के लिए कहता है। मानता हूं सूरज रोज अस्त होता है पर हर अस्त होने वाला सूरज हमसे कहता है घबराओ मत, मैं फिर आने वाला हूं, दूनी ऊर्जा के साथ आने वाला हूं, अपने आप को चार्ज करके आने वाला हूं। और हर उगता हुआ सूरज हर दिन हमसे यही कहता है, बंदे खड़े हो आगे बढ़, जहां है वहां अगर रुक गया तो वहीं तेरी मौत हो जाएगी। और जब तक तू चलता रहेगा चरैवेति, जब तक तू चलता रहेगा बढ़ता रहेगा तब तक जीवन तेरा ऊंचा उठता रहेगा। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है।
अरे जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन केवल, अभी तो सारा आसमां जीतना बाकी है। अभी हमने कुछ किया नहीं है, ये मत सोचो कि हम बन ठन के आ गए। एक 2500 की साड़ी पहन के आ गई महिला, सोचती है मैं तो बहुत कुछ ये हो गई वो हो गई। अरे इन कपड़े लत्तों में अपने आप को सीमित मत करो, बल्कि आगे मैं क्या कर सकती हूं मैं कहूंगा। आज अगर कोई महिला अगर सामायिक कर रही है, वो इस बात के लिए विचार करे। सामायिक तो उसने अब तक 999 कर ली है, पर सामायिक ने अभी तक भी अगर उसे परिणाम न दिया तो अब मैं केवल कपड़े बांध कर नहीं बैठूंगी और आसन बिछा कर नहीं बैठूंगी, बल्कि अपने आप को और आगे बढ़ाऊंगी और वो देखूंगी कि जिसके जरिए मेरे जीवन में परिणाम आ सके, समता घटित हो सके, मेरे जीवन में सरलता, सजगता, सहजता मुझे साक्षात मिल सके, तब तो मतलब है। मैं केवल आज अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले एक ही बात कहूंगा, रुको मत, ठहरो मत। मानता हूं चौराहे पर जलने वाली लाल बत्ती हमें रुकाती जरूर है, पर वो वहां रोके नहीं रखती। वो कहती है पल भर रुको, विचार करो और पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ जाओ। अगर यही सोच बैठे कि ठीक है कमाई हो ही रही है, कौन माथा फोड़ी करे, चल रहा है अपना ठीक है, तो भाई साहब जब तक ऐसे हल्की सोच और हल्का नजरिया रखते रहोगे, भारत कभी भी अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकता। पर जिस दिन हम लोगों ने आगे बढ़ने का जज्बा और जुनून अपने भीतर पैदा कर लिया, अमेरिका तो होता ही क्या है, अंबानी को अगर टक्कर नहीं दे देते तो हमसे कहना। जलो मत दूसरे को देखकर आगे बढ़ो, दूसरे को बढ़ते हुए देखकर जलो मत, दूसरे को आगे बढ़ते हुए उससे मोटिवेट बनो और उससे आगे बढ़ो। नजरिया हम सब लोगों को तैयार करना होगा। मां के पेट में शरीर पैदा होकर आता है, ध्यान रखिएगा, हाथ पांव माथा कान नाक ये सब मां के पेट से पैदा होकर आते हैं, बाकी तो बनाने के लिए हम लोग अपने जीवन को अंदर से विकसित करने के लिए ही तो एजुकेशन लेने जाते हैं। एजुकेशन शिक्षा इसीलिए हम लेते हैं, एक्सपीरियंस हम लोग इसीलिए लेते हैं, अच्छे बड़े लोगों की संगत, प्रोफेसरों की संगत हम इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। बढ़ने का जज्बा सबके भीतर होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं, मैं भगवान से कभी नहीं कहता कि मेरी उम्र लंबी हो, लंबी उम्र की कामना नहीं करता, पर जितनी जिंदगी मिलती है, जितने दिन मिलते हैं, उस हर दिन को पॉजिटिव तरीके से उपयोग करने का प्रयास जरूर करता हूं। कोई मुझे पूछे कि मेरा लक्ष्य क्या है तो मैं कहूंगा मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मैं सुबह उठता हूं शाम को सो जाता हूं, सुबह उठता हूं और शाम को सो जाता हूं, पर सुबह उठने और शाम को सोने के बीच में सारा जो दिन मिला है उस दिन को मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे सार्थक कर सकता हूं, बस इसी बात का प्रयास करता हूं। मेरी जिंदगी 70 साल की होगी, 100 साल की होगी, 60 साल की होगी, मुझे नहीं पता, शायद आपको पता है क्या है? आप कितने जिएंगे आपको पता है क्या? 60 साल, 70 साल, 80 साल कितना जिएंगे कोई बता सकता है क्या है? कल क्या होगा किसी को पता है क्या? तो इसलिए इसकी तो चिंता करते ही नहीं कि हमारी जिंदगी कितने साल की होगी, हम तो केवल एक ही प्रयत्न करते हैं, सुबह होती है जग जाते हैं, शाम को होती है सो जाते हैं, लेकिन सोने और जगने के बीच में जो इतना बड़ा हमें 14 घंटे का, 12 घंटे का, 10 घंटे का जो हमें दिन मिला है, उस दिन को कैसे सार्थक किया जा सकता है, बस केवल ये प्रयास करते हैं हम। न जिंदगी की चिंता करते हैं, न साल की चिंता करते हैं, न महीने और सप्ताह की चिंता करते हैं, हम तो केवल जो आज मिला है उस आज को कैसे धन्य किया जा सकता है, बस इस बात की फिक्र करते हैं। एटीट्यूड सफलता के लिए, करियर को बनाने के लिए, रिश्तों को बनाने के लिए, समाज के निर्माण के लिए, हर पहलू पर इसकी जरूरत है। चलिए एक काम करते हैं, जिनके पास डायरी हो निकाल लो,
पेन कॉपी हो निकाल लो, नहीं तो 10 का नोट निकाल लो भाई, उसी का यूज कर लेते हैं, क्योंकि मैं जिस चीज को आपको बताऊंगा उसकी वैल्यू 1,00,000 की है, उपयोग केवल आपसे आपका 10 का नोट करवा रहा हूं। देख लेते हैं क्या, कोई कागज का चिरकुट निकाल लो ना भाई, कुछ भी कर लो और देखते हैं। चलिए नोट करते हैं अपन, मैं बात कर रहा हूं नजरिए पर, एटीट्यूड पर। तो एक काम करते हैं, एटीट्यूड की स्पेलिंग ही लिख लीजिए सबसे पहले, एटीट्यूड की स्पेलिंग। कौन बोलेगा एटीट्यूड की स्पेलिंग क्या होगी? हाँ बोलिए, वेरी गुड, खड़े होइए। ATTITUDE, वेरी गुड। एटीट्यूड की स्पेलिंग ATTITUDE। अब अपन काम की बात करते हैं, स्पेलिंग तो आप क्या, आपका पोता भी बोल देता, पर हमारी बातें केवल आपके पोते के काम की नहीं, आपके काम की और आपके लिए नहीं, बल्कि आपके पोते के लिए भी उपयोगी है। एक काम करते हैं, एटीट्यूड को अब हम मार्क्स देते हैं। ए को मार्क्स दीजिए, अंक दीजिए को, एक कितना नंबर है, 1 नंबर, चलो लगाओ। ए को मार्क्स दो, अंक दीजिए ए को 1, 1 नंबर दीजिए। अगला अक्षर क्या है, टी, कितना है बोलो तो, कितने अंक आएंगे इसके, जोर से बोलो तो, जोर से बोलिए, सब लोग एक साथ बोलिए, हैं? 2 नंबर नहीं भाई साहब, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, जोड़ के फिर निकालो कितने अंक आ रहे हैं, 20, वेरी गुड, 20 अंक आ रहे हैं, चलो लिखो। अगला फिर टी है, फिर नंबर दो, कितना आ रहा है, 20, 20, फिर नोट कीजिए। आगे क्या है, आई, नंबर दीजिए, जोर से बोलिए, 9, वेरी गुड, 9 नंबर डालिए। फिर आ गया वापस टी, नंबर दीजिए, 20, वेरी गुड। आगे क्या है, यू, नंबर दीजिए, 21, लिखिए, नोट कीजिए, 21। फिर अगला अक्षर है डी, नोट कीजिए, नंबर दीजिए, 4, 4, वेरी गुड। अगला अक्षर क्या है, ई, वेरी गुड, ई को नंबर दीजिए, कितने आ रहे हैं, 5। जरा एक काम कीजिए, अब सबकी टोटलिंग कर लीजिए, कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, खड़े होके बोलो, कितने नंबर आए, 100, वेरी गुड, कितने आए, 100, क्या आपको इसका मीनिंग समझ में आया, जीवन के निर्माण के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन और समाज का निर्माण करने के लिए, जिस चीज में अगर 100% मार्क्स चाहिए, तो सबसे पहले एक ही ताकत, एक ही सीढ़ी, एक ही पगतिया चाहिए, और उसी का नाम है पॉजिटिव एटीट्यूड, 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 जिसका मीनिंग है 100, 100, 100। अगर 100 में से 100 पाना है, तो सबसे पहले लागू कीजिए एटीट्यूड। मैं क्यों जोर देता हूं एटीट्यूड पर, मैं इसलिए जोर देता हूं एटीट्यूड पर, मेरे भाई लोगों एक बात सोचो, अगर कोई कंकरीली जमीन है, पत्थरों से भरी हुई जमीन है, उस जमीन को पार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस सुख से हम पार कर सके, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, खड़े होइए। सड़क को पार करना है तो क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, पीछे वाले खड़े होइए, एक ने कहा चप्पल पहनेंगे, ठीक है, सभी के एटीट्यूड भी हर आदमी के अपने अपने होते हैं, इन्होंने कहा चप्पल पहनेंगे, आपने क्या कहा, जूता पहनेंगे, वेरी गुड। सभी लोग समझिएगा, अगर हम चप्पल पहनेंगे कंकरीली सड़क पर, अगर कोई भी आदमी अगर चप्पल पहन के निकल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा चप्पल 100 मीटर भी नहीं चल पाएगी और टूट के आपके हाथ में आ जाएगी। कंकरीली सड़क को पार करने का एक ही तरीका है, कोई एक अच्छा सा जूता पहनो और आराम से कंकरीली सड़कों को पार कर लो। पर मेरे भाई, कितनी भी कंकरीली सड़क हो, आपने कहा कि जूता पहनकर हम आराम से उसे पार कर सकते हैं, पर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या अगर उसी जूते में, उस सड़क का अगर एक भी कंकर अगर अंदर चला जाए, अगर हमारे जूते में एक भी कंकर अंदर चला जाए, तो क्या उस कंकरीली सड़क को पार किया जा सकता है, जोर से बोलो, नहीं, वेरी गुड। आपने कहा कि कंकरीली सड़क को पार करने के लिए हम में से हर किसी व्यक्ति को अच्छे जूते पहनने पड़ेंगे, पर अच्छे से अच्छा जूता भी पहना हो, पर अगर एक कंकर अंदर चला गया, तो उस सड़क को पार
नहीं किया जा सकता। कंकरीली से कंकरीली सड़क में भी अच्छा जूता पहनकर पार किया जा सकता है, पर एक कंकर अंदर चला गया तो सड़क पार नहीं किया जा सकता। मेरे भाई बहनों, मैं आपसे क्वेश्चन ये करता हूं, आखिर वो कंकर क्या है? वो कंकर क्या है जिसके कारण हम आराम से अपनी जिंदगी के रास्तों को पार नहीं कर पाते? अब जरा सोचो कि वो कंकर क्या हो सकता है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जो हमें रोके हुए है, जो हमें कष्ट दे रहा है, जो हमें पीड़ा दे रहा है। एक घर में दो बेटे पैदा होते हैं, एक सुखी राम बन रहा है, एक दुखी राम बन रहा है। एक घर में तीन बेटियां पैदा होती है, दो ने विकास किया है, एक अभी भी धक्के खा रही है। एक घर में दो भाई रहते हैं, एक कमा रहा है और दूसरा समाज के आगे जाकर के सहयोग मांग रहा है। मैं कहता हूं जूता सबको दिया है भगवान ने, पर एक कंकर अंदर चला गया। सोचो वो कंकर क्या हो सकता है, बोलो कौन बोलेगा? वेरी गुड, हाँ बोलिए बोलिए। अहंकार। चलिए, एक एक कंकर इनको समझ में आया। सब जो व्यक्ति जितने जवाब देगा, हर आदमी का अपना उसके पीछे का एटीट्यूड काम कर रहा है। दिमाग का कचरा। दिमाग का कचरा, एक ने कहा अहंकार, दूसरा बोलिए, तीसरा बोलिए। नेगेटिव एटीट्यूड। वेरी गुड, ताली बजाइए इनके लिए कि हमारा नेगेटिव एटीट्यूड। ये मत सोचो कि हमारा भाग्य हमारा वो कंकर है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। अरे समझ लो, दुनिया में भाग्य होता ही नहीं तब भी आप कैसे आगे बढ़ते? मेरी समझ से ध्यान रखिएगा, किस्मत तो लिफ्ट की तरह होती है, सीधा आदमी को ऊपर पहुंचाती है, पर हर आदमी के लिए किस्मत की लिफ्ट नहीं मिला करती। उस आदमी को मेहनत की सीढ़ियां चढ़कर भी वो आदमी ऊंचाइयों को छू सकता है। अब आप अगर जवाब देंगे भाग्य, तो भाई साहब ना तो मेरा इतना तगड़ा भाग्य है और ना आपका इतना तगड़ा भाग्य है। ना तो आप टाटा बिरला के घर में पैदा हुए और ना मैं टाटा बिरला के घर में पैदा हुआ हूं, ना मैं नरेंद्र मोदी हूं और ना मैं लाल बहादुर शास्त्री हूं। तो फिर क्या किया जाए? भाग्य का रोना रो करके बैठ जाए क्या? वहीं पर बैठ जाए क्या? अरे भाई, शेर को भी अपना भोजन ढूंढने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। मैं कहता हूं जीवन में अगर आज कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से भाग्य जैसे शब्द को किनारे करो, बल्कि ये देखो कि मेरा एटीट्यूड कहां पर नेगेटिव हो गया है, उस कंकर को बाहर निकालो। वो कंकर जैसे ही बाहर निकलेगा, आप पहाड़ियों को भी लांग जाएंगे, पर्वतों को भी लांग जाएंगे। पहाड़ों का रोना मत रो, खुद हवाई जहाज बनो और पहाड़ों के भी पार उतर जाओ। खुद हवाई जहाज बनो और पहाड़ों के भी पार उतर जाओ। जरूरत इस बात की होती है नेगेटिव एटीट्यूड। अब हम जोड़ते हैं, देखो, चलो सबसे पहले हम जोड़ते हैं, भारत और पाकिस्तान एक है कि अलग अलग है? सब बोलो तो, जोर से बोलिए तो। अलग अलग है। आपने कहा कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग है, और हम लोग पिछले 70 साल से एक दूसरे को गालियां ही देते आए हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या? हमारा नेगेटिव एटीट्यूड हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति और मुसलमानों का हिंदुओं के प्रति, भारत का पाकिस्तान के प्रति और पाकिस्तान का हिंदुस्तान के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड होने के कारण हमने पिछले सत्तर साल में अपनी इतनी एनर्जी खर्च की है, इस नेगेटिविटी के पोषण के लिए हमने इतनी एनर्जी खर्च की है। अगर हम वही एनर्जी अगर दोनों को एक दूसरे के गले लगाने के लिए अगर करते, तो हिंदू और मुसलमान मिलकर, भारत और पाकिस्तान मिलकर एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाती, अगर हम लोग अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाते। इस देश में राजनीति ये तो खेली गई कि वो भी अलग रहे और हम भी अलग रहें, पर इस देश में ऐसी धर्म नीति लागू नहीं की गई जो दोनों को आपस में जोड़ने का काम करे। चलो हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आगे कदम बढ़ते हुए हम देखते हैं, आज अगर जैन समाज में, जैन धर्म में कितने फिरके, कितने संप्रदाय, कितने पंथ, कोई बोलेगा कौन बोलेगा? देरावासी, स्थानकवासी, तेरापंथी और, अरे बोलते जाओ ना, अभी तो बहुत है। अरे बोलते, ये तो मोटे मोटे हैं भाई, अभी छोटे छोटे वालों को भी तो पकड़ो ना। हाँ बोलो बोलो बोलो। 84 गज, वो कहते हैं 84 गज, वो कहते हैं देरावासी, मंदिर मार्गी, थानकवासी, तेरापंथी, और भी बोलो भाई, अभी तो बहुत सारे लफड़े हैं। श्वेतांबर, दिगंबर, और बोलो
भाई, अभी और बहुत सारे लफड़े हैं। अरे मेरे भाई, भगवान महावीर ने, उनको पता था कि आने वाली पीढ़ी की ये दुर्दशा होगी, लोग अपना एटीट्यूड नेगेटिव कर बैठेंगे तो इतने फिरके बन जाएंगे। इसलिए भगवान महावीर ने 2600 साल पहले अपने सारे धर्मवास धर्म के अनुयायियों को और सारे देश और दुनिया वालों को संदेश दिया था कि तुम और कोई सिद्धांत जी पाओ या न जी पाओ, पर अनेकांत का सिद्धांत जरूर जीना, ताकि सब लोगों के रहने वाले अलग अलग तरह के एटीट्यूड में झगड़े ना हो और सारे एटीट्यूड मिलकर के एक धर्म के ध्वज के नीचे आ जाएं। पर हमने अनेकांत की बातें जरूर कही, पर अनेकांत की हमने हत्या कर डाली। हम अनेकांत को न जी पाए, इसी कारण हम टुकड़े 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 हो गए। सब नेगेटिव एटीट्यूड के परिणाम थे। मंदिर मार्गी और थानक वासियों का अलग होना, मैं कहूंगा नेगेटिव एटीट्यूड का परिणाम था। श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में धर्म के दो टुकड़े हो जाना, ये नेगेटिव एटीट्यूड का परिणाम था। ये इसके वाले, ये उसके वाले, नेगेटिव एटीट्यूड का परिणाम था। अरे समाज को छोड़ दो, आप केवल इतना सा सोचो, आप दो भाई अलग अलग हुए। यहां कोई ऐसे भाई हैं क्या जो साथ साथ रहते हो? कोई ऐसी देराणी जेठानी है क्या जो साथ साथ रहती है? कोई है क्या? वेरी गुड, खड़े हो तो वेरी गुड, चलो दौड़ के आ गया हो तो देखते हैं, आपका एग्जामिनेशन लेते हैं, दौड़ के आ गया हो, चलो देखते हैं, एटीट्यूड को समझते हैं। बहन आप दोनों देरानी जेठानी है, साथ में रहते हैं, अच्छा चलिए आप एक बात बताइए, आपकी शादी हुए कितने साल हुए? 15 और आपको? 7 साल। अच्छा चलिए एक बात बताइए, 15 साल हो गए आपकी शादी हुए हैं, आप अभी तक साथ में हैं, साथ में रहने का कारण क्या हो सकता है? प्यार। प्यार क्या है? प्यार है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग। वेरी गुड, समझिएगा, प्यार है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। इस बात को समझिए कि ये दोनों देरानी जेठानी अभी तक साथ है क्यों है? प्यार है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। कोई भाई अब वो खड़ा नहीं होगा, शर्म खा जाएगा, जो अलग अलग रहते होंगे वो शर्म खा जाएगा कि हम आखिर अलग अलग क्यों हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस बहन ने जो जवाब दिया कि प्यार है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, मैं कहूंगा ये प्यार, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग का ही दूसरा नाम पॉजिटिव एटीट्यूड, इसी का ही दूसरा नाम है पॉजिटिव एटीट्यूड। और जब तक इन दोनों का आपस में एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, एक सकारात्मक, एक सही नजरिया, एक सम्यक दृष्टि बनी हुई रहेगी, तब तक ये साथ साथ रहेंगे, मरते दम तक साथ साथ रहेंगे। और जिस दिन इनका नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा, उस दिन पता है क्या होगा? कैसे अलग होते हैं व्यक्ति? ये बड़ी बहन जिस दिन इसके भीतर दिमाग में नेगेटिव आ जाएगा ना, तब क्या होगा पता है? बताता हूं, ये बाजार जाएगी, अपने बच्चों के लिए डेयरी मिल्क खरीद कर लाएगी। है? कभी नहीं होता है ऐसा। है? हमारे में कभी ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सारे बच्चों में फर्क एक जैसा है। सारे बच्चों में? ये दो बच्चे हैं, मेरी एक बच्ची है। हाँ। उसमें भी बहुत भीतर है, उनके बड़े हो गए हैं 14 साल के, 10 साल के। हाँ। मेरी अभी छोटी है 3 साल की। हाँ। पर कभी ये फर्क नहीं आया है। ये कभी फर्क नहीं आया, ये है पॉजिटिव एटीट्यूड का परिणाम। आपने यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग में दो ही महिलाएं ऐसे निकल कर आई जिन्होंने कहा कि हम साथ साथ हैं, ये आपके पॉजिटिव एटीट्यूड का परिणाम है। पर ये जितने लोग बाकी के बैठे हैं, और अगर देरानी जेठानी अलग हुई, सास बहू जुदा हुए, पिता और पुत्र जुदा हुए, मैं कहूंगा उसका एक ही रीजन है कि उनका नेगेटिव विजन है, उनका नेगेटिव विजन है। और जिस दिन, अभी आपने कहा ना, ऐसा कभी फर्क नहीं हुआ कि हम डेयरी मिल्क खरीदने गए हों और अपने वाले के लिए लाए हों, दूसरे वाले के लिए न लाए हों। अरे भाई साहब, आप ये पॉजिटिविटी रखते हैं तभी तो आप साथ साथ हैं। और जिस दिन नेगेटिविटी आ जाएगी ना, तब पता है क्या होगा? तब लगेगा मैं मेरे बच्चे के लिए तो 20 रुपये वाली ले जाऊं, देरानी के बेटे के लिए 10 रुपये वाली ले जाऊं, मेरे बच्चे के लिए सिल्क के ले जाऊं, देरानी के बेटे के लिए मिल्क के लेकर जाऊं। ये पहला चरण आएगा, और जैसे ही वो देरानी देखेगी ना,
जेठानी जी रे मन में खोट आएगी है, खुद के बेटे के लिए तो सिल्की लेकर आई और मेरे बेची के लिए मिल्की लेकर आई, और बस ये नेगेटिविटी आते ही अब सारा तकरारनामा होना शुरू हो जाता है। फिर वो अपने पति से कहती है, कहीं थे करो, दिन भर दुकान में थे काम करो, थाने खाने मिलियो कहीं, सारा पैसा तो मोटा भाई दबार बैठ गया। अब ये नेगेटिविटी आते ही अब वो तकरार शुरू होती है। एक महीना भी नहीं लगता आपको हाथ लगाने का, अगला महीना आएगा उससे पहले ही दोनों परिवार आपस में टूट जाएंगे। जुड़ने की ताकत अगर किसी में है तो है हमारे सकारात्मक नजरिए में, नकारात्मक नजरिए का तो परिणाम ही है तोड़ना तोड़ना तोड़ना। ये जो आपने आज जो बात बताई ना, प्यार, समझ, अंडरस्टैंडिंग, आज आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे अपने इस प्यार, समझ, अंडरस्टैंडिंग और पॉजिटिविटी के लिए? आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत छोटी हूँ कि आपके सामने कुछ कहूँ। हाँ हाँ, बट मम्मी भी यहाँ पे है साथ में, हम सब साथ में ही है। थैंक्स टू मम्मी के हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं। वेरी गुड। हमारी गलतियाँ हैं तो हमें सुधारते हैं, अच्छाई है तो हमारी तारीफ भी करते हैं। थैंक यू, अपनी मम्मी के प्रति जो पॉजिटिविटी है उसका अभिनंदन करते हैं। आपका अपनी सास के प्रति जो पॉजिटिविटी है वो, उसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? बस वही कि एक साथ रहिए, प्यार बना रहे, देरानी जेठानी हो सास हो, हिल मिल के रहे तो जिंदगी कटनी बहुत आसान है। वेरी गुड, ताली बजाइए, इनका अभिनंदन कीजिए। वेरी गुड, मैं कहूंगा ये है पॉजिटिविटी मेरे भाई, ये है पॉजिटिविटी। परिवार में चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड, जब तक रहेगा हमारा एक दूसरे के प्रति सकारात्मक नजरिया तो भाई साहब एक देवर अगर पॉजिटिव रहेगा तो भाभी के लिए भी गिफ्ट लेकर आएगा, और अगर नेगेटिव हो जाएगा हमारा एटीट्यूड तो पत्नी या भाभी वो अपने पति के लिए तो दूध में मलाई डालेगी पर देवर वाले में केवल पतला पतला दूध डाल करके दे देगी। हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए, जीवन के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में हमेशा जीवन का तत्व देखने के लिए हम में से हर किसी व्यक्ति को एक ही चीज चाहिए और वो है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। नेगेटिव एटीट्यूड तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक पेड़ से लाखों तीलियां बनती है। सब बोल लो तो, एक पेड़ से लाखों तीलियां बनती है पर लाखों पेड़ों को जलाने के लिए एक अकेली तीली काफी होती है। एक पेड़ से लाखों तीलियां बनती है पर लाखों पेड़ों को जलाने के लिए एक तीली काफी होती है, और ये आग से भरी हुई तीली का नाम ही है नेगेटिव एटीट्यूड, नकारात्मक नजरिया। कंपनी में, फैक्ट्री में अगर नकारात्मक नजरिया होगा तो पता है क्या होगा, मालिक जैसे ही उधर खिसकेगा कि कर्मचारी आराम से कुर्सी लगाकर बैठ जाएगा। मन तुम्हारे बैठे बैठे का पैसा मिले, मैं क्यों माथा फोड़ी करूं, मन तुम्हारे 8 घंटा पूरा करना है। नेगेटिव एटीट्यूड होगा वो आदमी, ध्यान रखिएगा हर बॉस जागरूक होता है, हर बॉस जागरूक होता है। अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी है और 8 घंटे में से अगर आप केवल 6 घंटा काम करते हैं आप कभी तरक्की न कर पाएंगे, पर 8 घंटे की ड्यूटी है पर आपने 10 घंटे काम किए, आज नहीं तो कल 6 महीने बाद आपका प्रमोशन होना तय है। कोई मुझसे अगर धर्म सीखना चाहे ना तो मैं धर्म ये सिखाना चाहूंगा, जितने घंटे के तुम पैसे लेते हो कम से कम उतने घंटे की मेहनत करके तो अपने मालिक को जरूर दे दो, यही तुम्हारी ओर से धर्म और ईमान का पालन हो जाएगा। अगर आगे बढ़ना है तो 2 कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। 8 घंटे की ड्यूटी है, 10 घंटा मेहनत करके दो, आज नहीं तो कल तुम्हारा प्रमोशन होना तय है। आज अगर जैसे मान लीजिए कि किसी बहन को सामयिक करनी है और सामयिक लेके बैठ गई, बार बार घड़ी देखती रहती है, अरे यार 9 बजे सामयिक ली, 9:45 बज गए, अरे यार बस अब 5 मिनट घट रहे हैं, बस ये 5 मिनट पूरे हो और बस ये अब छुट्टी मिली है, ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई जेल के सलाखाओं में बैठी हुई थी। अरे भाई जितनी तुम्हारी ड्यूटी है उससे कहीं ज्यादा बजा दो अपनी ड्यूटी तो ऊपर वाला भी तुम्हारे और करीब आता चला जाएगा। हम लोग कट्टी 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 करते हैं, कन्नी 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 काटते हैं। किसी को कहता हूं भैया चातुर्मास आ रहा है, 4 महीने के लिए रात्रि भोजन छोड़ दो, तो क्या जवाब देंगे जरा बताइए, तो आप वापस क्या जवाब देंगे?
वो लेने को नियम लेने को तैयार हो जाएगा, पर साथ में क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? राका सेठ खड़े हो तो वो क्या बोलेगा, जवाब में क्या बोलेगा? जैसे जैसे मैं आपसे अगर कहता हूं कि भाई साहब चतुर्मास के चार महीने में रात्रि भोजन का त्याग, क्या बोलेंगे? गुरुदेव ऑफिस से लेट आते हैं हम लोग तो, ऑफिस से लेट आते हैं। अब जवाब सुनिएगा सबके एक एक, गुरुदेव हम तो ऑफिस से लेट आते हैं इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब धर्म इनके लिए पॉसिबल नहीं है, धंधा इनके लिए पॉसिबल है। चलिए एक काम करते हैं, आगे वाले को देते हैं। भाई साहब बाकी नियमों की बात छोड़ता हूं, देखते हैं ये लोग बेटे सबसे पहले आगे आकर के बैठ के कब्जा करते हैं, तो देखता हूँ भाई क्या आप लोग जरा बताइए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि चार महीने तक रात्रि भोजन छोड़ दो सूर्यास्त के बाद, तो क्या कहेंगे आप? बाप जी एक महीने का दिला दो। अच्छा चार महीने का, एक महीने का दिला दो। अब वो कहते हैं बाप जी को मुंह पर ना कहना भी ठीक नहीं है, बहुत इज्जत करता हूँ इनकी, तो एक महीने का दिला दो। ठीक है चलिए अगले वाले को देते हैं, क्या कहते हैं देखिए भाई साहब। परोसर पर्व के लिए दिला दो हैं, परोसर पर्व में 9 दिन है वो कर देते हैं, पर्युषण पर्व में वो कहते हैं पर्युषण के 9 दिन दिला दो। ठीक है अगले को पकड़ते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। नहीं हो पाता है बाब जी, नहीं हो पाता है बाब जी, अपन से नहीं हो पाता है। था सो दो टाबर हो जावे और चार मिनरा सौगन को नहीं ले जाए, बताओ अगले वाले को दो तो देखते हैं है? हाँ प्रभु जी परोपोजेशन 9 दिन के लिए दे दो, 9 दिन के लिए दे दो। ठीक है उनको भी दीजिए। तो वो सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहनकर आए हैं, देखते हैं ये कितने सफ़ेद हैं अंदर से। हाँ जैसे आपकी आज्ञा। सुना आपने, क्या सुना दोबारा बोलो तो। जैसी आपकी आज्ञा। जैसी आपकी आज्ञा। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? जगवानी, हीरानंद जगवानी। हीरानंद जगवानी मतलब सिंधी है क्या आप? हाँ। आहा आगे जितने लोगों ने अभी जवाब दिया वो जैन थे, पर एक भी कबूल करने को तैयार ना हुआ, वो सिंधी भाई है पर उसने खड़े होके बोल दिया जैसी आपकी आज्ञा। अरे सीख लो भाई, मोटिवेट हो, इन लोगों से मोटिवेट हो। अरे भाई ध्यान रखना, सिंधी को जैन बनाना बहुत आसान है पर जैन को जैन बनाना बहुत कठिन काम हो गया। सिंधी को जैन बनाना बहुत आसान काम है पर जैन को जैन बनाना बहुत कठिन काम हो गया। जैसी आपकी आज्ञा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ताली बजाइए, इनका अभिनंदन कीजिए। थैंक यू, सिट डाउन। कोई भी अगर एक बात कही जाएगी तो मैं कहूंगा ऐसा जवाब क्यों आया कि एक कहता है साहब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, दूसरा कहता है साहब धंधे में लगाऊं, ऑफिस में बिजी हूं, तीसरा कहता है कि साहब आप 4 महीना छोड़ दीजिए, 9 महीने में निपटारा कर दीजिए, 9 दिन में निपटारा कर दीजिए, मुझसे इतना यह सब काम नहीं होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि धर्म के प्रति हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, हमारा अहिंसा के प्रति, सत्य के प्रति, ब्रह्मचर्य के प्रति हमारी वफादारी इसलिए नहीं है क्योंकि उनके प्रति हमारा नेगेटिव, हमारा एटीट्यूड अभी तक क्लियर नहीं हुआ। आप जैन लोग प्योर शाकाहारी होते हैं, वो शाकाहारी क्यों हैं? वो इसलिए शाकाहारी हैं मेरे भाई क्योंकि जन्म से उन्होंने शाकाहार का ही संस्कार लिया हुआ है, शाकाहार का ही संस्कार लिया हुआ है। तो मैं कहूंगा भाई अगर जन्म से शाकाहारी हैं इसलिए शाकाहार करते हैं तो अलग बात है, पर अहिंसा के प्रति आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव बन जाए भाई लोगों। महात्मा गांधी धक्के खाकर के दक्षिण अफ्रीका से आए थे, चलती ट्रेन में से फेंक दिए गए थे, उनका भी खून खौल सकता था, उठा के दो थप्पड़ अंग्रेज सिपाही को या टीटी को ठोक सकते थे, पर उन्होंने थप्पड़ खाकर भी हिंदुस्तान की आत्मा को उन्होंने समझा था, और हिंदुस्तान की आत्मा को समझा तो अहिंसा के प्रति उनका जो एटीट्यूड था उसका परिणाम निकलकर ये आया कि मरते दम तक वो अहिंसा के नाम पर ही जीते और मरते रहे, और यहां तक कि उन्होंने ठान ली थी कि मैं अपने देश को अगर आजाद कराऊंगा तो हिंसा के बल पर नहीं बल्कि अहिंसा के बल पर आजाद कराऊंगा, और जिस दिन तक मेरी समझ से हो सकता है गांधी जी गए हे राम कहा होगा, पर हे राम कहने से शायद आप लोगों को लगता होगा गांधी जी मर गए, पर मैं कहता हूं आज भी अहिंसा को गांधी जी पर फक्र है, गांधी जी पर आज भी अहिंसा को गौरव है कि जिस आदमी ने अहिंसा के लिए अपना जीवन जिया और अहिंसा को निभाते निभाते आदमी चले गए मर गए। और मेरे भाई हमारा एटीट्यूड क्लियर होना चाहिए, अहिंसा को हम क्यों मानते हैं? आज अगर मैं पूछूं सेकंड लाइन वाले व्यक्ति से जो भी जवाब दे ईमानदारी से बताइएगा भाई साहब आप झूठ बोलते हैं कि नहीं? यस या नो? झूठ बोलता हूं, झूठ बोलता हूं। आगे वाले को दीजिए,
झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। तीसरे को दीजिए बोलते हैं बाबूजी बोलते हैं। तीनों ने माजना किरकिरा कर दिया, तीनों ने माजना किरकिरा कर दिया। अरे आपका गौरव उस दिन नहीं बढ़ता जिस दिन आप मुंह पत्ती को मुंह पर बांध करके और सामायिक करते या मंदिर में जाकर के तिलक लगा के आते, जिस दिन आप पब्लिक में खड़े होकर ये दावा करके कहेंगे कि साहब मैं अपनी जिंदगी में आज तक कभी झूठ नहीं बोला, उस दिन आपकी असली सामायिक और मंदिर जाना आपका सार्थक होगा। जैन वो नहीं होता जो जैन कुल में पैदा हुआ है, जैन वो होता है जो हमेशा सत्य बोलता है। हिंदू वो नहीं होता जो राम राम करता है, हिंदू वो होता है जो राम जैसी मर्यादाओं को अपने जीवन में जीता है। और मेरे भाई हम लोग सिद्धांतों को इसलिए नहीं जी पाए क्योंकि हमारे उनके प्रति एटीट्यूड कभी क्लियर नहीं हो पाए। आपने कह दिया मैं झूठ बोलता हूं, झूठ बोलता हूं, झूठ बोलता हूं, मैं दावा करता हूं मैं आज तक कभी झूठ नहीं बोला, मैं दावा करता हूं कि मैं आज तक कभी झूठ नहीं बोला। कोई आदमी अगर मुझसे आके पूछ भी लेगा साहब आप ऐसा करते हैं, हो सकता है पब्लिक की नजर में वो नहीं करना चाहिए था, पर मैं अगर वैसा करता हूं मैं बिना संकोच के कबूल करूंगा, हां मैं ऐसा करता हूं, हां मैं ऐसा करता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं झूठ बोलूंगा तो बाहर तो मेरी इज्जत रह जाएगी पर मेरी आत्मा मुझे कभी भी कबूल नहीं करेगी कि ये आदमी झूठा आदमी है। और झूठी जिंदगी जीने की बजाय सच्ची जिंदगी जीना कहीं ज्यादा अच्छा है। एटीट्यूड हमारा क्लियर होना चाहिए, धर्म के प्रति भी, समाज के प्रति भी, परिवार के प्रति भी। पिता पुत्र अलग हुए क्यों? नेगेटिव एटीट्यूड आ गया इसलिए अलग हो गए। मैं इसलिए आज आपको एक बात बड़े प्रेम के साथ कहूंगा, हम में से आज एक बात सब लोगों को सीख लेनी होगी, मुझे सबसे पहले अपने नजरिए को पॉजिटिव 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 बनाना होगा। और पॉजिटिव बनाने के लिए मेरे भाई बहनों छोटी छोटी अगर लाइन में एक एक बात कह दूं तो सबसे पहले हम में से हर आदमी को अच्छाई को खोजने की आदत डालनी होगी। कौन सी आदत? कौन सी आदत? जोर से बोलो तो। अच्छाई की आदत। अभी हमारी आदत क्या है पता है? कोई बोलेगा? कौन बोलेगा? हाँ वेरी गुड। बुराई ढूंढने की आदत, कमियां निकालने की आदत। एटीट्यूड को अगर पॉजिटिव बनाना है तो सबसे पहले हम में से हर किसी आदमी को यह आदत डालनी पड़ेगी कि मैं हमेशा क्या करूंगा, क्या करूंगा सागर प्रभु बोलिए तो, क्या करूंगा? अच्छाई। मैं कहूंगा आप सब में अच्छाई देखिए, अच्छाई के खोजी बनिए। अरे लोगों ने तो भारत को खोजने के लिए पता नहीं कोलंबस ने कहां से यात्रा शुरू की और भारत को खोजना चाहा। उन्होंने भारत को खोजना चाहा, किसी ने चांद को खोजना चाहा, किसी ने मंगल ग्रह को खोजना चाहा। मैं कहता हूं आप केवल एक चीज खोजिए और मंगल तक मत जाओ, चंद्रलोक तक मत जाओ, चंद्र प्रभु तक भी मत जाओ, आप तो केवल एक चीज पर जाओ और वो है मैं खोजी हूं और अच्छाई को खोजता हूं। और जिस दिन आपके मन में ये भाव आ जाएंगे कि मैं अच्छाई को खोजता हूं, उस दिन आप हिंदू धर्म से भी प्यार करेंगे, मुस्लिम धर्म से भी प्यार करेंगे, जैन धर्म से भी प्यार करेंगे, सिख धर्म से भी प्यार करेंगे, हिंदू धर्म से भी आप प्यार करेंगे, क्योंकि आप अच्छाई को खोजते हैं। और अच्छाइयां तो हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर व्यक्ति में अच्छाई है। और तो और जिस पत्नी से आप झगड़ पड़ते हैं उसमें भी अच्छाई है, और जिस बच्चे को आप बच्चा मान करके डांट देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, मैं कहूंगा उसमें भी अच्छाई है। हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखो भाई। लोगों दुनिया में बुरे से बुरे इंसान में 10 कमियां हो सकती है, पर इसके बावजूद दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको भगवान ने कोई ना कोई एक अच्छाई ना दे रखी हो। हर आदमी के भीतर कोई ना कोई तो अच्छाई होती ही है। अब प्रश्न ये है अगर आप बुराई को ढूंढेंगे तो क्या होगा और अच्छाई को ढूंढेंगे तो क्या होगा? सवाल मेरा अगला ये है कि अच्छाई को ढूंढेंगे तो क्या होगा और बुराई को ढूंढेंगे तो क्या होगा? अब देखते हैं। चलिए भाई साहब वो टी शर्ट वाले खड़े हो तो थर्ड नंबर वाली लाइन के, हाँ खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, माइक लो और अब देखते हैं। अच्छाई को ढूंढेंगे तो परिणाम, आपकी शादी हो गई? हाँ। शादी हो गई। अच्छा एक बात बताइए, पति पत्नी में कभी तू मैं होती है? रोज होती है। रोज होती है बस। अब सवाल अगला कदम मेरा ये है, इन्होंने कहा कि शादी हो गई नंबर एक, मैंने पूछा पति पत्नी में झगड़ा होता है, बोले रोज होता है। अब अपन इसकी तलाश करते हैं कि झगड़ा क्यों होता है। चलिए बोलिए।
छोटी छोटी बात पे हो जाता है, छोटी छोटी बात पे हो जाता है। अब जैसे उदाहरण दीजिए ना, आप एक आध, आप घबराओ मत, सबके यही हाल है, सबके एक ही स्थिति है। आप ये मत समझो कि केवल आपकी बात हो रही है, सबके, अपन लोग कपड़ों में ही सब श्वेतांबर हैं, कपड़े उतार दे तो बाथरूम में सब दिगंबर हैं। चलिए चलिए एक बात बताइए, कोई एक ताजा सा उदाहरण सुनाओ ना, पति पत्नी में कब तुतु में हुई होगी, क्या कारण रहा होगा? हर ख्वाहिश पूरी नहीं की जाती है, हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती, इसके लिए रोज तुतु में होती है। हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती, नहीं हो पाती है, इसलिए रोज रोज झगड़े हो जाते हैं। भाई साहब एक बात बताओ, आपकी शादी हुए कितने टाइम हुआ? 8 साल। 8 साल, उस समय आपकी उम्र कितनी थी? 24। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी शादी करने के लिए आपकी मम्मी ने कुल देवताओं को भी राजी किया होगा, भगवान के भी लड्डू चढ़ाए होंगे, हनुमान जी के भी श्रीफल चढ़ाया होगा, नाकुड़ा भैरू जी के आगे तेल जाके जरूर चढ़ाया होगा, और इतनी मिन्नत के साथ आपके पास धर्म पत्नी आई। आपने कहा हाँ, इनके मम्मी पापा ने, आपके मम्मी पापा ने आपकी शादी तो कराई, पर शादी कराने से पहले आपको ये नहीं सिखाया, ये ज्ञान नहीं दिया कि पति पत्नी के रूप में जीवन को कैसे जिया जाता है। केवल शादी करनी जरूरत नहीं है, बल्कि शादी से ज्यादा जरूरी है कि एक पति पत्नी को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, किन मर्यादाओं के साथ जीना चाहिए, ये क्लास आपकी नहीं ली गई, इसलिए आपके पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है। आप कहते हैं हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, मैं कहता हूं आपको अपनी पत्नी को टेकल करना नहीं आता है, पत्नी को टेकल करना नहीं आता है। अगर आपको टेकल करना आता होता तो पत्नी तो झोपड़ी में भी राजी रह जाती है, फटी साड़ी पहन करके भी राजी हो जाती है। अरे जब माँ सीता जंगल में रह करके भी राजी हो सकती है, राज रानी होकर भी, तो आपकी पत्नी तो मेरे और आपके घर में पैदा हुई है, वो राजी क्यों नहीं हो सकती? अब मैं केवल आपको इतनी सी बात पूछता हूँ, जरा एक बात बताइए, आपके कपड़े कौन धोती है? पत्नी। पत्नी, अब सवाल जवाब सुनिएगा मेरी, मैं केवल आपको ये समझाना चाहता हूँ, आपके लिए आपके कपड़े कौन धोता है? पत्नी। पत्नी, आपके लिए खाना कौन बनाता है? पत्नी। पत्नी, आपके बच्चे कितने हैं? 2। उसको किसने पैदा किया है? बोलो मेरे भाई। पत्नी ने। पत्नी ने, ठीक है, उनको पाल पोस कौन रही है? पत्नी। पत्नी, उनके लैट्रिन बाथरूम कौन साफ कर रही है? पत्नी। पत्नी, आपके घर का झाड़ू पोछा कौन लगा रहा है? पत्नी। भाई साहब आपने लगातार 20 सवालों में सबके उसके समर्थन में आपने जवाब दिया, एक आध तो जवाब देते कि जो उसके लिए नेगेटिव हो, इसका मतलब ये है सुधरने की जरूरत पत्नी को कम और पति को ज्यादा है, पत्नी को कम और पति को ज्यादा है। आप कहते हैं उसकी ख्वाहिश से ज्यादा है, तो भाई साहब घर में आप पत्नी के बारे में मत सोचो। आपके घर में अगर 2 बच्चे भी पैदा हुए हैं तो पैदा होते ही खर्चा बढ़ जाता है, अगर खर्चे की सोचनी है तो बच्चे पैदा मत करो, खर्चे की सोचनी है तो घर में बीवी लेकर के मत आओ, ये तो 1 से 2 होते ही खर्चा तो बढ़ेगा, ख्वाहिश से तो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। अब सवाल यह है आज के बाद पत्नी के प्रति अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाइए, और पॉजिटिव बनाकर सोचिए, नहीं मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है, कल को सोचो वो अगर पीहर चली जाएगी तो मेरे कपड़े कौन धोएगा, अरे मेरे लिए खाना कौन बनाएगा, मेरी इंतजारी घर में कौन करेगा। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आज की तारीख में केवल यही बिंदु सीख लो कि मैं आज के बाद अपनी जीवन में एक ही प्रिंसिपल अपनाता हूं, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव, नो नेगेटिव, सब बोलो तो नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। अच्छाई खोजो, आपकी पत्नी में अच्छाइयां भी है, अब जरा एक काम कीजिए, अपनी पत्नी की थोड़ी 2-4 अच्छाइयां बताइए ना। बहुत अच्छी है। अरे आपने कहा बहुत अच्छी है, अच्छा आप कहते हैं बहुत अच्छी है, आपकी पत्नी यहाँ बैठी है क्या? हर बात को मानती है। अब देखिए अच्छाइयाँ देखते हैं, हैं पत्नी की अच्छाइयाँ, नंबर 1 बहुत अच्छी है, नंबर 2 हर कहना मानती है, और तीसरी अच्छाई ढूंढो। जो जो मैं बोल देता हूँ वो समय पे काम कर देती है। अब तीसरी अच्छाई बताओ, इससे बढ़िया इनको धनियाणी क्या मिलेगी, जो मैं कहता हूँ वो कर देती है। अब बताओ भाई साहब, आप सारे लोग बताइए इनको कि जो तुतु मैं होती है उसमें सुधरने की गुंजाइश कहाँ है, किसको सुधरना चाहिए, पति को या पत्नी को? सारे लोग बोलो तो जोर से, किसको जोर से बोलो तो। भाई साहब आपको सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ, ये सारे जितने लोग बैठे ना ये सब आपको सलाह दे रहे हैं, तो आज से अपनी पत्नी के प्रति पॉजिटिव बनो,
और पॉजिटिव बनकर कल सुबह जब उठो ना तो ऐसे ही उबासियां खाते हुए मत उठना, सुबह जैसे उठो ना उठती कहना महालक्ष्मी प्रणाम। किया बाजी, तीन दिन से कर रहा हूँ, तीन दिन से रोज कर रहा हूँ। अच्छा, तीन दिन से रोज कर रहा हूँ, पहले दिन इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि महालक्ष्मी प्रणाम। अच्छा चलिए, अब अपन इन्हीं से वापस पूछते हैं कि भाई साहब एक बात बताओ, आपने जब कहा महालक्ष्मी प्रणाम उसके बाद पहले जो झगड़े होते थे और अब जो तीन दिन से आप महालक्ष्मी प्रणाम कर रहे हैं, तो इसमें और उसमें कुछ फर्क आया कि नहीं आया? आया ना भाजी। आया है बाप जी। तो यानी कि अगर आप थोड़े से पॉजिटिव बन गए, एक कदम आपने पॉजिटिव बना लिया, अगली ने आपके प्रति तीन कदम पॉजिटिव बना लिए। आज से अगर आप अपना पूरा दिन अगर पॉजिटिव बना लें, अपने विचार वाणी व्यवहार सबको अगर पॉजिटिव बना लें, तो पत्नी आपको अभी जितना सुख देती है उसे चार गुना ज्यादा सुख देने लग जाएगी। नो नेगेटिव बी Positive. सब लोग बोलो तो नो नेगेटिव बी पॉजिटिव, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव पॉजिटिव। ओ मेरे भाई बहनों, अगर आपके पहनने के लिए जूते नहीं हैं तो गालियां मत दो, अपने भाग्य को मत कोसो, बल्कि सोचो कि भगवान तो कितना बड़ा मेहरबान है। अरे मेरे तो पांव में पहनने के लिए जूते नहीं हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पांव ही नहीं हैं। अगर आपकी पत्नी काली है तो नफरत मत करो और गोरी वालों के प्रति ताकते झांकते मत रहो। भगवान के प्रति हर रोज सुबह शुक्राना अदा किया करो और ये सोचकर, ये नजरिया विकसित करके, अरे माना मेरी पत्नी काली है पर है तो सही। सारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कितने घूम लिए, कभी बेलगांव जाकर के ढूंढना पड़ता है, 2.5 लाख देंगे दलाली का और मेरे लिए एक पत्नी आ जाए। अरे भगवान की लाख लाख शुक्रगुजारी, आपकी पत्नी तो 2.5 लाख लेकर आई है, वरना आपको 2.5 लाख दे करके लाना पड़ता, भगवान ने दे दी। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, अच्छा होगा। दूसरी बात फिर जोड़ो और दूसरी बात ये जोड़ो कि एहसान मंद होने का नजरिया अपनाओ, अच्छाई को खोजने का नजरिया अपनाओ और एहसान मंद होने का नजरिया अपनाओ। एक काम करते हैं और काम ये करते हैं, चलो अपन एक भाई साहब को खड़ा करते हैं। वो भाई साहब दाढ़ी वाले खड़े हो तो, वो पीछे जो बैठे हैं ना, हाँ खड़े हो तो देखते हैं, आज आपकी क्लास लेते हैं। आपकी शादी हो गई? हाँ जी। हाँ जी, मम्मी कहाँ रहती है? मम्मी मेरे पास ही रहती है। मेरे पास, मतलब आप उनके पास रहते हैं कि वो आपके पास? मम्मी पैरालिसिस है, मम्मी तो मेरे साथ ही रहते हैं। नहीं, मेरे साथ रहती कि आप उनके साथ रहते हैं? हम उनके साथ रहते हैं। तो फिर अब सबसे पहले देखो, सुधारने की बात करा रहा हूँ, ये मत कहो कि वो मेरे साथ रहती है, आपने उनको पैदा नहीं किया, उन्होंने आपको। हम उनके साथ, हाँ हम उनके साथ हैं। बी पॉजिटिव, हमेशा हमारा हर लफ्ज पॉजिटिव होना चाहिए। यह मत कहो कि मम्मी मेरे साथ है, बल्कि कहो कि मैं वो सौभाग्यशाली पुत्र हूँ जो अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ। मैं वो सौभाग्यशाली पुत्र हूँ जो कि अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ। अरे आज आपको लगता है उनको पैरालिसिस है, भले ही उनको पैरालिसिस है, ये पैरालिसिस होते हुए भी कम से कम न से तो अच्छा है। आज कम से कम आपके मम्मी पापा आपको आशीर्वाद देने के योग्य तो हैं, और कल जब वो चले जाएंगे तो आप किसके आगे जाकर के अपना मत्था टेकेंगे और कौन आपके कल्याण की शुभकामना करेगा? वो तो पैरालिसिस हो गया, आपको सेवा का मौका मिल रहा है केवल जिंदगी भर। अगर ये भी है, कहते हैं कि पैरालिसिस हो गया मम्मी को, तो हमेशा जब भी मम्मा के पास जाओ ना, सेवा करने का जब जब मौका लगे, दिन भर में 10 बार भी, तब तब यही सोचना, एहसान मंद होने का नज़रिया अपनाओ। और नज़रिया ये अपनाओ कि आज मुझे लगता है मुझे मेरी माँ के बैठक धोनी पड़ती है, शर्म मत खाना, एहसान मंद होने का नज़रिया अपनाओ। मुझे तो केवल दिन में 2 बार उनकी बैठक धोनी पड़ती है, उन्होंने दिन में मेरी 10 बार बैठ के धोई हैं। एहसान मंद होने का नज़रिया अपनाओ। कभी माँ के पापा की अगर धोती धोनी भी पड़ जाए, मैं कहूंगा एहसान मंद होने का नजरिया अपनाओ। मुझे तो केवल दिन में 1 बार उनकी धोती धोनी पड़ती है, पर उन्होंने मेरे 10 बार पोतड़िए धोए हैं, एहसान मंद होने का नजरिया अपनाओ। ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही जिंदगी भर आपको आपके मां बाप से जोड़े हुए रखेगी। और जैसे ही नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा तो रेमंड्स का मालिक भी अपने मम्मी पापा से जुदा हो जाएगा, भले ही कितना भी अरबपति और खरबपति आदमी क्यों ना हो जाए। असली आदमी के भीतर चाहिए एहसान मंद होने का नजरिया। मैं कहूंगा आपको लगता है आपके पति ऐसे टेढ़े मेढ़े, ये वो सब,
मैं कहूँगा एहसान मंद होने का नजरिया अपनाओ। ये आपके पति हैं जो दिन भर आपके लिए मेहनत करते हैं, दुकान में सच झूठ करते हैं, एक एक ग्राहक को पटाते हैं ताकि आपकी और आपके बच्चों की ख्वाहिशें पूरी की जा सके। एहसान मंद होने का नजरिया अपनाओ। आज अगर जैसे कि मान लो आज ये चातुर्मास समिति है, 10 लोग सेवाएं दे रहे हैं, 10 लोग सेवाएं नहीं दे पा रहे, मैं कहूँगा शुक्राना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज अगर मैं सोचूंगा जो 10 लोग सेवा नहीं दे पा रहे हैं, मैं नेगेटिव एटीट्यूड अपनाऊंगा, मैं कहूँगा भाई जी थे कहीं करो कहीं नहीं करो कहीं नहीं करो, ओहो नहीं नहीं नहीं, मैं मुझे पॉजिटिव रहना होगा और पॉजिटिव रहते हुए कहना होगा भाई कुछ न कुछ तो कर ही रहे हो, थे कहीं नहीं करो, थारा 2 टक्का तो लगाया वही घण चोखो, कुछ न कुछ तो किया, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। एहसान मंद होने का नजरिया अपनाओ। सुबह उठो तो उठते ही अपने हर दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ जरूर करो, एक अच्छे विचार के साथ जरूर करो। सुबह उठो तो उठते ही आप लोगों की आदत क्या है पता है, सुबह उठते ही आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बोलिए कौन बोलेगा, 3 लोग बोलिए कोई भी, हाँ वेलकम, जोर से बोलिए। तो सुबह उठते ही बाथरूम जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, एक ने कहा सुबह उठते ही बाथरूम जाते हैं। नंबर दूसरा, हाँ पवन बाबू, मोबाइल। दूसरे ने कहा कि हम सुबह उठते ही मोबाइल यूज करते हैं। तीसरा और कोई बोले, एक और व्यक्ति बोले, हाँ जी सुबह उठते ही घूमने जाते हैं, एक ने कहा बाथरूम जाते हैं, एक ने कहा मोबाइल पकड़ दे, तीसरे ने कहा घूमने जाते हैं। कोई 3 बहनें जवाब देंगे कि सुबह उठते वो क्या करते हैं। हाँ बहन वेलकम, पहले नवकार मंत्र बोलते हैं, हाँ? फिर मम्मी जी के पांव छूते हैं, जब मम्मी जी उठ जाते हैं तो मम्मी जी के पांव छूते हैं, पांव छूते हैं, अच्छा मम्मी जी के चरण स्पर्श करते हैं, वेरी गुड। एक एक एटीट्यूड समझिएगा, सुबह उठते क्या कर रहे हैं, दिन की शुरुआत कैसे, एक ने कहा कि सुबह उठते हैं नवकार मंत्र का पाठ करते हैं और मम्मी जी के पांव छूते हैं, मम्मी जी के पांव छूते हैं, बाथरूम उसके बाद जाते हैं ना, बाद में पापा जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ के फिर सब भगवान का हाथ जोड़ के फिर जाते हैं, वेरी गुड। वो बहन देखते हैं क्या जवाब देती है, सुबह उठ के वो क्या करते हैं, ईमानदारी से बोलना, बेईमानी मत करना। बाप जी सुबह उठ करके मैं पहले भगवान के दर्शन करती हूँ कि हे भगवान मुझे भी आपके जैसे उच्च जीवन प्रदान करो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये है जीवन जीने के अलग अलग एटीट्यूड। मैंने कहा था कि हर इंसान के जीवन में एटीट्यूड का बड़ा प्रभाव पड़ता है, उनका एटीट्यूड धर्म से जुड़ा हुआ है तो उनको भगवान याद आते हैं, एक का एटीट्यूड परिवार से जुड़ा हो तो उसको मम्मी पापा के पांव छूने याद आते हैं, एक का टाइम पास से जुड़ा है तो सबसे पहले सुबह उठकर मोबाइल में कुछ ना कुछ सर्च करता है, एक आदमी सुबह उठते ही अपने आप को टिप टॉप कर लेना चाहता है तो सीधा उठ करके बाथरूम में जाता है, और एक आदमी हेल्थ से उसका एटीट्यूड जुड़ा हुआ है तो सुबह उठते ही घूमने के लिए जाता है। मेरे भाई बहनों ये अलग अलग एटीट्यूड, मैंने कहा ना हर आदमी में थोड़ा 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 फर्क है। मैं आज आपको छोटी सी प्रेरणा देता हूं और प्रेरणा ये देता हूं, सुबह जैसे ही उठो ताकि दिन भर उसकी रोशनी आपके पास रहे, सुबह जैसे ही उठो आपके सामने एक टेबल कैलेंडर, अमृत वचन का कोई ना कोई एक टेबल कैलेंडर अवश्य रखिए और अपने हर दिन की शुरुआत किसी ज्ञान की किरण, ज्ञान के प्रकाश, ज्ञान के उजाले के साथ कीजिए ताकि दिन भर उसका उजाला बना हुआ रहे। हर आदमी को उजालों का राहगीर होना चाहिए, अंधेरों का राहगीर कभी नहीं, अंधेरों का राहगीर कभी नहीं। इसलिए मैंने कहा दिन की शुरुआत हमेशा अच्छे से कीजिए, जैसे सुबह उठें एक अच्छा विचार पढ़िए, अपने आप को मुस्कान से भरिए। सुबह उठते क्या करो, मैं कहूंगा बस अब बात पूरी करता हूं और बात पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए यह बात आप सब लोगों को समझाना चाहूंगा, दिन भर मुस्कुराने की आदत डालो। कौन सी आदत, दोबारा बोलो तो, थोड़ा मुस्कुरा के बोलो तो, मुस्कुराने की आदत। मैंने मुस्कुराने के लिए बोला है, मूत कराने के लिए नहीं बोला है, मुस्कुराने की आदत डालो रोजाना हर सुबह जैसे ही उठो, उठते ही सबसे पहले एक गुलाब का फूल जैसे बगीचे में खिलता है वैसे हमारे चेहरे का रोम रोम, हमारी हर झुर्री हर छिद्र सब कुछ हमारा अंदर से खिल जाना चाहिए, उठते ही पता चलना चाहिए कि प्रकृति खिल उठी है, कबूतर उड़ने लग गए हैं, मुर्गा बांग देने लग गया है, फूल खिल चुके हैं और हम भी सुबह उठते ही अपने आप को बी पॉजिटिव, ध्यान रखो बी हैप्पी नो बीपी, सब बोलो तो बी हैप्पी नो बीपी,
बी हैप्पी नो बीपी। कितने लोग यहाँ हैं जिनको बीपी गोली लेनी पड़ती है, हाई या लो, हाथ खड़ा करके बताओ तो। कितने लोग हैं, कितने सारे लोग हैं जिनको बीपी की गोली लेनी पड़ती है, काफी लोग हैं यहाँ पर। भाई साहब मैं आपको बीपी का समाधान देता हूँ, और समाधान ये देता हूँ, भले गोली खाते रहो पर एक गोली मेरी तरफ से भी रोजाना ले लिया करो, और वो गोली है जैसे याद आई अपनी आप की, और आते ही क्या बन जाओ, गुलाब के फूल बन जाओ। एक बात आपको दावे के साथ कह देता हूँ, हम यहाँ शहर में आकर जो जो अच्छे काम करेंगे उनमें हमारा पहला काम यही होगा, हम यहाँ पर हर इंसान को हंसता खिलता हुआ गुलाब का फूल बना देंगे, हंसता खिलता हुआ गुलाब का फूल बना देंगे। कि जहाँ पर पत्नी भी पति को देखकर मुस्कुराए, पति भी पत्नी को देखकर मुस्कुराए, अरे पड़ोसन को देखकर तो मुझे पता है कि आप मुस्कुराते हैं, पर पत्नी को भी देखकर जिस दिन आप मुस्कुरा देंगे उसी दिन आपके घर में राम सीता लक्ष्मण भरत सब कुछ साकार हो जाएंगे। मेरे प्रभु जी बस बात अब इसके साथ पूरा करता हूँ, मैं कहूँगा सुबह उठो मुस्कुराओ, दुकान का शटर खोलना हो शटर बाद में खोलना उससे पहले मुस्कुरा लेना, अरे अपने मुंह का शटर भी बाद में खोलना उससे पहले मुस्कान जरूर कर लेना। बस इतनी सी बात ध्यान रखो, दुकान खोलो पहले मुस्कान ले आओ, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज, स्माइल नथिंग कॉस्ट, नथिंग कॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, कॉस्ट नथिंग लॉस्ट नथिंग बट गेट्स एवरीथिंग, पर सब कुछ इससे पाया जा सकता है। मुस्कुरा करके तो दुश्मन को भी राजी किया जा सकता है, मुंह चढ़ा करके तो घरवाली को भी नाराज करना पड़ता है। मुस्कान के बड़े फायदे हैं, दुकान खोलो मुस्कुराओ। मैं कहूँगा रात को जब घर आओ ना अपने ऑफिस से, सीधे घर में मत घुसना, पहले पहले एक मिनट के लिए घर के बाहर खड़े हो जाना, और जो जो आपके पास कचरा भरा पड़ा है ना उसको घर के बाहर एक डस्टबिन रखा करो, और पहले उसमें सारे कचरे डाल दिया करो, दिन भर का गुस्सा खीज चिड़चिड़ापन सब वहीं फेंक देना, क्योंकि आपका सामना महालक्ष्मी जी से होने जा रहा है, और महालक्ष्मी जी के सामने यमराज बन के नहीं जाया जाता, महालक्ष्मी जी के सामने तो विष्णु जी बन करके ही जाया जा सकता है। अगर महालक्ष्मी जी से पांव दबवाने हो तो मुस्कुरा करके जाना उनके पास, और पांव की अगर खानी हो तो जैसा जचे वैसा अपनी ओर से करते रहना, मुस्कुराने की आदत डालो। मैं तो कहूंगा रात को 2 बजे सुसु करने जाओ ना तो पहले स्माइल प्लीज, आपको सुसु करने भी मजा आएगा। वो जीवन को जीना एक आनंद है, जीवन एक गीत है, इसे प्यार से गुनगुनाओ। जीवन एक गीत है, इसे प्यार से गुनगुनाओ। जीवन एक उत्सव है, हर रोज इसे मनाओ। जीवन एक संघर्ष है, इसका सामना करो। जीवन एक सपना है, हर रोज इसे पूरा करो, हर रोज इसे पूरा करो, हर रोज इसे पूरा करो। अपनी ओर से सहज रूप में आज एक ही एटीट्यूड आप लोगों को दे रहा हूं, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। घर में जाकर बड़े अक्षरों में लिख देना, दुकान में जाकर बड़े अक्षरों में दुकान में लिख देना, ऑफिस में जाकर बड़े अक्षरों में अपनी टेबल पर लिख देना, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। और जब जब भी लगे नेगेटिव वातावरण बन गया तब तब अपने उस वाक्य को पढ़ना। महत्वपूर्ण ये नहीं है आपके सामने घटना क्या घटित हुई, महत्वपूर्ण ये है उस घटना की आपने प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। घटना का मूल्य 10%, कैसे हमने उसके सामने प्रतिक्रिया की इसका महत्व 90%। अपनी ओर से प्यार पूर्वक सहजता से आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाते हुए धर्म के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति पॉजिटिव बनाते हुए आज केवल इतना सही सहज रूप में अनुरोध कर रहे हैं श्री प्रभु शरण।